गाइस दोस्तों आप सभी देख सकते हैं चेयर राइस बोल हम बना चुके हैं। हेलो व्यूअर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे पूछ रहा था राइस से कैसा पिसिंग किया जाता है। दोस्तों एक्चुअली आप सभी को मैंने शेयर किया था, हम नॉर्मल जो कुक किया जाता है इसको अर्ली मॉर्निंग लेके जाके पिसिंग करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हर जगह का चावल लोग ऐसा नहीं बना जाता है। दैट्स व्हाई आप सभी को मैंने कहा भी था राइस बोल बनाकर आप लोग को शो करेगा। दोस्तों आप सभी फिलहाल देख सकते हैं ये बहुत गर्म गर्म खाना, फिलहाल अभी जस्ट गैस से ये स्थिति थोड़ा ठंडा होने देके हम निकलने वाला है। पहले उसे ऊपर लेयर को हम हटा देगा ताकि नीचे लेयर को हम राइस बोल बनाकर आप सभी को शो कर सकें। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली ऊपर लेयर लोग हम पूरा हटा दिया है। दोस्तों आप लोग भी राइस बोल बनाने से नीचे लेयर को ज़्यादा तरफ ले लीजिए, क्योंकि नीचे लेयर जो थोड़ा चिपको चिपको होके राइस बोल बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, इसलिए आप लोग नीचे लेयर को राइस बोल बना सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये चम्मच का साथ यहाँ से निकाल के ये सब बनाना चाहिए। तो ये चावल जो तो कुछ ठंडा होने से बहुत बढ़िया तरीका से गोल बन जाना था, अभी फिलहाल तो कुछ ज़्यादा गर्मी है, दस वह ज़्यादा चिपकू चिपकू हो गया और तो कुछ ठंडा होने से बहुत बढ़िया हो गया। गाइस दोस्तों आप सभी देख सकते हैं चेयर राइस बोल हम बना चुके हैं। दोस्तों और एक डिफरेंट तरीका आप सभी को हम शो करेगा, आप लोग ऐसा पंच टीम में लेके आप लोग ऐसा टाइट से टेप सकते हैं। अब क्या होते हैं आप लोग बात का बात में यहाँ से धीरे धीरे करके ये कर सकते हैं, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके आप लोग निकाल के पिसिंग कर सकते हैं। ऐसा राइस बॉल बनाते बनाते दोस्तों आधा घंटा में हम सिर्फ 6 राइस बॉल बनाए हैं। दैट्स व्हाई शॉर्ट वे में और इजी वे में जो टाइम कंजम भी शॉर्ट हो सके, इसलिए ये ऑप्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। कल आप सभी को हम शो करेगा इसको कैसे टुकड़ा टुकड़ा करके पिसिंग किया जाता है। ऐसा दोस्तों आप लोग थोड़ा टाइट टाइट से ये रोको ऐसा टैपिंग करना है ताकि पानी में जब ये डूब जाएगा तभी भी ये
दोस्तों फाइनली इज ऑन ये गाइस फाइनली हुआ दोस्तों ये जत्रा है मेरा ये दोस्तों ये चॉकलेट नसीर है क्या हाँ चॉकलेट नसीर है ओ नहीं नहीं यार लास्ट वीडियो में आप सभी को मैंने शेयर किया था मैंने कुछ गलती किया था उसका कारण से मेरा फाइबर रोड जो टूट गया था उसको देख सकते हैं ये भी फंस चुके हैं जब भी आप लोग फाइबर रोड को ना यूज़ करते हैं ऐसे ज़बरदस्ती मत कीजिए क्योंकि फाइबर रोड जो इतना फोर्स नहीं झेल सकते जितना एक मछली बैठ हो के फ्लेक्सीबल होते हैं क्योंकि ऐसा होते समय हम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं उसका कारण जो मेरा फाइबर रोड जो लास्ट टाइम टूट गया था और मेरा ही गलती था और ज़िंदगी में भी दोस्तों आप लोग कुछ भी चीज़ को ज़बरदस्ती मत कीजिए क्योंकि ज़बरदस्ती करने से जो करते हैं उसको दर्द मिलते हैं या दिल में कुछ अनोखा हो जाते हैं जैसे कि रास्ते में मेरा रोड भी टूट गया साथ में लूर भी टूट गया तो फिर आप लोग उसका जब भी ऐसा फंस जाते हैं फाइबर रोड या जो भी है आप लोग ऐसा इस पर टांग के तो क्या होगा रोड जो कुछ भी नहीं होगा लेकिन लाइन जो आपका टूट जाएगा देख सकते हैं मेरा रोड अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है जो बढ़िया तरीका से आगे दिशा तक वैसे ही है लेकिन लाइन का बुक टूट चुके हैं लेकिन रोड बहुत बढ़िया तरीका से अभी तक ठीक है तो आप लोग भी ऐसा कीजिए जब भी फाइबर रोड यूज़ करके मेरा जैसा गलती मत कीजिए अपनी पूरी ज़िंदगी में ताकि तो चोट पहुँचे या आपका कुछ डैमेज हो जाए या रोस हो जाए तो जैसा अभी आप ये लगाना पड़ेगा चेंज मीन दोबारा लगा तो फिटिंग करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को हम मेरा बुक पढ़ने का स्टाइल को भी हम आज शो करेंगे दोस्तों एक्चुअली मेरे पास बहुत किस्म है हुक भरने का स्टाइल लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला को यूज़ करते हैं आप लोगों को जस्ट ये पुंटा में लाइन को पार करके चार ज़्यादा से ज़्यादा चार या पांच राउंड आप लोग ऐसा मोड़ दीजिए मोड़ने के बाद ये पुंटा में आप लोग पीछे वापस डाल देने जहाँ लाइन जो यू ई शेप में बन के रखें
पैसा बन सकते हैं दोस्तों आप लोग में। और दोस्तों सपने से आप लोग ये लाइन को काफ़ी छोटा हो गया एक्चुअली, थोड़ा लंबा होना चाहिए। उसके बाद एक गट्टी आप लोग ऐसा मार दीजिए ताकि बड़ा मछली जब आप फाइट हो जाएंगे तब ये जो लाइन्स और हुक जो मजबूत रहे। गाइस पीस ऑन पीस ऑन गाइस पीस ऑन या फिर दोस्तों ये कुछ ज़्यादा रिक्स की जगह में हम खड़ा है दोस्तों। पीस ऑन दोस्तों पीस ऑन। नो दोस्तों मछली को देख सकते हैं। ओ दोस्तों इसका भी माल पानी निकल रहा है, ये भी मेल है दोस्तों। थोड़ा पहले जो निकला था पार्स में वो भी मेल है। बुलशिट तो जैसे निकलना पड़ेंगे हम, देख सकते कैसा रास्ते है, ऐसा डेंजरस रास्ता में हम लोग हमारा अरुणाचल में फिशिंग करने हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग एंड साथ में एडवेंचर भी हो जाता है दोस्तों। आप लोग भी अगर फिशिंग करना चाहते हैं तो हमारा अरुणाचल में प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। आगे चल के आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर भी हम दे देगा, उसमें हम ग्रुप क्रिएट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बातचीत करके हम लोग एक साथ अभी नहीं तो कभी फिशिंग करने के लिए एक साथ निकलेंगे। किसकी जगह अगर स्लिप खाए मिस तो पानी में ठीक डुबकी लगा कर हम निकलना पड़ेंगे। दोस्तों आज का कुछ तो ऐसे फिशिंग करने वाला चार पीस या काफ़ी है दोस्तों। ये भी एक्चुअली दोस्तों कटने में बहुत सारा छोटा छोटा मछली लुक कट रहा है लेकिन हुक में नहीं लग रहा है क्योंकि आप सभी ने देखा होगा हुक भी हम बड़ा साइज में यूज़ किया था। आज का कमाल काफ़ी है चार पीस भी दोस्तों। ये है हमने के लिए कुछ फोटो खींच लेगा हम। हे गाइस फाइनली हमने के लिए फोटो भी खींच चुके हैं, आप सभी देख सकते हैं। आज
कुछ प्राइसेस 4 पीस मिला है। एंड दोस्तों आज हम मैंने ट्रेडिशनल ढंग से फिशिंग किया, क्योंकि लास्ट टाइम आप सभी ने देखा होगा मेरा फिशिंग फाइबर जो टूट गया था, उसका कारण आज ट्रेडिशनल वे से बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि बचपन से हम लोग ऐसा मार के आए हैं। दोस्तों आप लोग भी खूब ट्राई से फिशिंग करके देखिए। एंड आप सभी को मैंने बहुत बढ़िया तरीका से शो भी कर दिया है कैसा राइस बॉल बनाते हैं। अगर आप लोग उसमें भी अगर अच्छा से नहीं कर पाते बोलने से, प्लीज़ मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, दोबारा डिटेल से शो करो बोल के। एंड दोस्तों जो जो हाँ अगर जो भी राइस बॉल को बना पाए बोलने से, दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए। अगर बाइट नहीं होते बोलने से, दोस्तों आप लोग को निंजा टेक्निक एक बताएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। पहले आप लोग अपना तरफ से भी ट्राई कर लो, ताकि एक्सपीरियंस हो आप लोग को। अगर नहीं होते बोलने से जेम्स योर निंजा टेक्निक हम बताएगा कैसे खूब ट्राई से फिशिंग करके ऐसा मसीर लिया जाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड जस्ट चिल।